गाइस सो वेलकम बैक माई चैनल। सो आज हम कंपेयर करेंगे कि क्लासिक 350 होंडा हाइनेस दोनों में से कौन सी बेस्ट गाड़ी है, फीचर्स वाइज नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक वाइज, एंड जो इसके ऑन पेपर्स फीचर्स है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि इनकी ऑन रोड परफॉर्मेंस लाइक बोथ इन सिटी एंड बोथ ऑन हाईवे कैसी है। पहले स्टार्ट करते हैं होंडा हाइनेस से। सो होंडा हाइनेस का अगर मैं सिटी परफॉर्मेंस दूँ, होंडा हाइनेस सिटी परफॉर्मेंस, पहली बात इनका जो सिटिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर इसका थोड़ा बहुत फॉरवर्ड है इसका, एंड इसके फुटपैक्स बिल्कुल स्ट्रेट है, फुटपैक्स बिल्कुल डाउनवर्ड आते हैं, लेकिन जो इसका हैंडल है वो थोड़ा आगे की तरफ है, काफ़ी फार हेड है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। सो इसमें दिक्कत होती है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब लाइक आपको थोड़ा एंगेज होना पड़ता है, इसमें थोड़ा आपको लीन फॉरवर्ड होना पड़ता है सिटी के अंदर। एंड एक और इसकी दिक्कत है, इसकी गेयरिंग पोस्चर जो है, लाइक गेयरिंग जो इसकी है बहुत ही लॉन्ग टॉल है, एंड इसको आपको मॉडलेटली चेंज करना पड़ता है, लाइक फर्स्ट गियर पे आना पड़ता है, थर्ड गियर पे आना पड़ता है, फिर सेकेंड तो वन आपको ऐसे करना पड़ता है। और एक बात इसमें ये अच्छी सी स्लीपर क्लच है, डैट इज़ रियली बेनिफिशियल, स्लीपर क्लच इसका बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन इसका जो सिटिंग पोस्चर है एंड इसकी सीट है ये थोड़ी हार्ड है, होंडा को डेफिनेटली इसकी सीट पे वर्क करना पड़ेगा। एंड इसका जो गियर है, गियरिंग रेशियोज़ वो टॉल है, लाइक आपको सिटी में मॉडरेटली चेंज करना पड़ेगा, आप थर्ड गियर को 20 स्पीड नहीं चला सकते हो, लेकिन आप क्लासिक 350 को चला सकते हो। एंड अब टॉकिंग अबाउट क्लासिक 350 के बारे में, सो क्लासिक 350 पहला इसकी सीटिंग पोस्चर बात करूँगा, इसका सीटिंग पोस्चर रियली रियली काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका हैंडल बार और सीट में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350 होंडा हाइनेस। जैसे आप देख सकते हैं इसका टैंक काफ़ी बड़ा भी है, लंबा भी है, एंड न्यू जेन का टैंक चौड़ा है, लंबा इतना नहीं है, और इसके हैंडल बार और जो सीट में पोजिशन जो डिस्टेंस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू होंडा हाइनेस, एंड के फुटपैक्स बिल्कुल नीचे हैं। सो इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं ऐसे आप, और क्लासिक 350 होंडा हाइनेस में आपको थोड़ा एंगेज होना पड़ता है आगे आके। सो एंड जब आप थोड़ा एंगेज होते हैं तो ये थोड़ा कभी कभी क्लम्सी हो जाता है, लाइक थोड़ा कभी कभी स्ट्रेन देने लग जाता है, और इसकी जो सीट है ये भी इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी मेरे को। मैं एग्जैक्टली होंडा हाइनेस का ओनर हूँ और क्लासिक 350 मेरे को मिली है फॉर रिव्यू के लिए फॉर अप्रॉक्स अ वीक, सो तभी मैं आपको इसका रिव्यू दे पा रहा हूँ अभी। अब अगर आप क्लासिक 350 की सीट देखें सो ये बिल्कुल चौड़ी है, इसका कंपाउंड भी काफ़ी अच्छा है, ये चौड़ी है और इसमें स्प्लिट सीट भी आती है। एंड मैं इसकी पिलियन के बारे में बात करूँ, लाइक पिलियन राइडर कैसी है सीट, मतलब गाड़ी, सो पिलियन टूरिंग के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें इसकी पीछे सीट काफ़ी चौड़ी भी है और इसमें आपको इनफ स्पेस मिलता है, इसमें आपको इनफ स्पेस मिलता है फॉर बोथ द पिलियन एंड द राइडर टू कम्यूट ईजली। एंड क्लासिक 350 में काफ़ी अच्छी सीट्स हैं फॉर टूरिंग बोथ इन सिटी एंड बोथ इन हाईवे। एंड टॉकिंग अबाउट होंडा हाइनेस, इसमें सीट इसकी काफ़ी छोटी है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड साथ ही में इसका जो राइडर है वो राइडर पिलियन को बहुत ही चिपक के बैठना पड़ता है। अगर आप किसी आपका कोई पार्टनर है तो आप काफ़ी क्लोजली बैठना पड़ेगा। एंड इसका जो पीछे वाला ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल बहुत ही छोटा है, जब भी आप पिकअप देते हैं इसमें तो ये मतलब प्योरली आपको काफ़ी जोर का टॉर्क देता है, एंड जो पीछे वाला पिलियन होता है उसको डर लगता है गिर ना जाए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू होंडा क्लासिक 350 इसका ग्रैब रेल है थोड़ा ऊपर है, वो जो पिलियन होता है उसको पीछे इजीली पकड़ सकता है, इसका टॉर्क भी इतना नहीं है कि आपको सडन हिट करे, लेकिन उसमें आपको दिक्कत आती है। सो टॉकिंग अबाउट सिटी परफॉर्मेंस, आई विल से क्लासिक 350 है बेटर, क्योंकि इसकी गियरिंग रेशियोज अच्छे हैं, इसकी सीटिंग पोस्चर अच्छी है, इसकी सीट काफ़ी अच्छी है, एंड इसका जो पिलियन सीट है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड एक बात और आती है, लाइक कॉर्नरिंग करने में किसको ईजी होता है, इस बार मैं बोलूँगा होंडा को ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि माना कि लंबी है लेकिन इसका जो वेट है वो काफ़ी बैलेंस्ड है एंड काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, सो तभी आपको ये इजीली आप टर्न ओवर कर सकते हैं सिटी के अंदर। सो इसका बस एक ये बेनिफिट है, लाइक इसका वेट कम है,
बाकी तो सारा फॉरवर्ड इसके पास ही आता है, क्लासिक 350 के पास। बात करते हैं दोनों के हाईवे परफॉर्मेंस के बारे में। सो हाईवे की बात जब आती है तो अगेन कंसिडर होता है कि इसकी सिटिंग पोस्चर कैसा है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू इसका सिटिंग पोस्चर क्लासिक 350 का बेटर है, एंड इसमें बोथ राइडर एंड पिलियन के लिए काफ़ी स्पेस है। सो सीटिंग के बारे में गोस फॉर रॉयल एनफील्ड। एंड टॉकिंग अबाउट होंडा हाइनेस, इसमें डेफिनेटली आपको सीट बदलवानी पड़ेगी। एंड इसमें आपको दो बात है, अगर आप यहाँ पे स्प्लिट सीट लगवा सकते हैं डैट विल बी रियली गुड। इसमें आप स्प्लिट सीट लगाएंगे इसकी, वो अप्रॉक्स 2000 के अंदर ही है, आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू। एंड इसका आपको कवर लगवाना ही पड़ेगा, जब इसका कवर लगाएंगे तभी इसकी मतलब सीट काफ़ी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि इसकी सीट काफ़ी टाइट है आप देख सकते हैं। एंड इसका जो थोड़ी स्पोर्टी है ये, एंड इसका जो पिकअप एंड टॉर्क है वो भी डेफिनेटली ज़्यादा है इससे। सो अगर मैं टॉप परफॉर्मेंस की बात करूँ, डेफिनेटली होंडा हाइनेस। सो अगर मैं टॉप परफॉर्मेंस की बात करूँ हाईवे पे, डेफिनेटली होंडा हाइनेस इज़ मच बेटर, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू क्लासिक 350। इसमें वाइब्रेशंस काफ़ी कम है क्लासिक 350 से होंडा हाइनेस में। एंड होंडा हाइनेस का टॉप परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इसका जो फिफ्थ गियर है आप 60 के बाद ही लगा सकते हैं, लेकिन क्लासिक 350 में आप 6th गियर इसका 4th गियर में भी लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली इसका इंजन ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशंस कम है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350 में। क्लासिक 350 वाइब्रेशंस काफ़ी कम कर दिए, लेकिन जो टिंगलिंग इफेक्ट होता है वो अभी भी इसमें है, लेकिन आपको इतना वो फील नहीं होगा। लेकिन और एनफील्ड जानी भी जाती है वाइब्रेशंस के लिए, सो इट्स नॉट अ बिग मैच। एंड एक बात और, जो मैंने बात बोली अर्गोनॉमिक्स की, डेफिनेटली आपको होंडा हाइनेस क्लिक करेगी। आपको इसके सीट चेंज करानी ही पड़ेगी एंड कवर लगवाना ही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। उसमें आपको कुछ भी एज सच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इट्स गुड परफॉर्मेंस व्हीकल। सो एंड समरी दूँ, क्लासिक 350 हाईवे पे भी अच्छी है। अगर आप 80 तक क्रूज करेंगे, लाइक आप मिक्स ऑफ हाईवे जाते हैं एंड मिक्स ऑफ सिटी राइड जाते हैं, देन क्लासिक इज़ द बेस्ट एज़ कम्पेयर टू होंडा हाइनेस। एंड लेकिन आप अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, सो देन डेफिनेटली होंडा हाइनेस इज़ बेस्ट है, क्योंकि होंडा में आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, इंजन में कुछ नहीं कर सकते। इंजन होंडा का डेफिनेटली बेटर है हाईवे पे एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। एंड इसमें आपको टूरिंग कुछ कराना ही पड़ेगा चेंजेस, लाइक इसमें पहली बार आपको सीट करानी पड़ेगी चेंज। पिलियन सीट आप बिल्कुल लगवाइए अगर आप दो बंदे जा रहे हैं, एंड इसमें एक लगेज का तो आप दोनों लगवाएंगे। साथ में इसका बैकरेस्ट आपको अलग लगवाना पड़ेगा, एंड इसकी जो सीट कवर होती है वो आपको डेफिनेटली चेंज लगवानी पड़ेगी इसमें। एंड एक बात और मैं आपको बताऊँ, लाइक इसका जो थंप है, थंप डेफिनेटली क्लासिक से बेटर है होंडा हाइनेस में। एंड इसमें तो आप भूल ही जाइए, थंप अभी भी आपको आफ्टर मार्केट ज़रूरत पड़ेगी। एंड जो इसका आपको आफ्टर मार्केट का भी बहुत झंझट होती है, लाइक बहुत लोग बोलते हैं इंजन को अफेक्ट करता है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कोई भी आफ्टर मार्केट ना लगवाएं, लेकिन एनफील्ड ने जब से BS6 बाइक्स आई हैं, BS4 ही जब से आई हैं, तब से सारा उनका बेस या थंप चला गया। लेकिन वही रॉयल होंडा हाइनेस काफ़ी अच्छा है। सो डेफिनेटली होंडा हाइनेस इसमें बेटर है, लाइक इसका थंप अच्छा है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। इसका टॉप स्पीड अच्छी है एंड काफ़ी रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350।